दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की उत्तर प्रदेश की देवरिया के रुद्रपुर से बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रेमचंद यादव और जो दुबे परिवार के बीच में नरसंहार हुआ दोनों तरफ से, सबसे पहली गलती दुबे परिवार ने किया कि यादव परिवार के जो प्रेमचंद यादव को बिल्कुल अकेला पाकर और बुलाकर उसको मार डाले। उसके बाद यादव परिवार उग्र होकर 5 जो है निर्मम हत्या कर दी। बहुत बड़ा बयान सुहेलदेव पार्टी के जो कि ओम प्रकाश राजभर आ गया है। अरुण राजभर ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि देवरिया के रुद्रपुर में नरसंहार का मामला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो कि आज देवरिया जाएंगे, मृतक प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, और मृतक सत्य प्रकाश दुबे के भी घर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि मृतक प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे और उनकी सारी समस्याएं, सारी बातों को सुनेंगे, उनके बच्चों से मिलेंगे, उनकी पत्नी से मिलेंगे। इस तरह की अपडेट आ रही है आपको। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद, केशव देव मौर्य, महान दल और संजय चौहान जनवादी पार्टी, पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी, और जो कि महेंद्र राजभर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये सब लगे थे इसी बीच जो है कि एनडीए गठबंधन में शामिल सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी जो है, सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि ओम प्रकाश राजभर जाएंगे, प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे और सारा जो कि कोशिश करेंगे कि जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई वो न हो। तो बहुत बड़ा कदम है, समाजवादी पार्टी के लोग इस कार्य को जो कि सराहनीय कार्य बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर के, कि दोनों परिवारों में जाना चाहिए, ना कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की तरह एक परिवार में जाना चाहिए। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और वहाँ के जो विधायक है त्रिपाठी साहब, रवि किशन शुक्ला जो हैं पंडित समाज से आते हैं जो सांसद हैं, उनकी तरह एक तरफा नहीं जाना चाहिए, दो तरफा। ये पिछड़े समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर सबसे पहले प्रेमचंद यादव के घर जाएंगे, इसके बाद जो है कि दुबे परिवार में भी जाएंगे। तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है और समाजवादी पार्टी इस कार्य के, इस जो कि अपडेट आने के बाद बहुत सराहना करते हुए समाजवादी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।